बहुत वेट किया और आज भी उसके आत्मा उसका वेट कर रही है। अरे भगवान, हाँ, सही बोल रहा हूँ मैं। वो लड़की हर रोज इस स्टेशन पे हर रात अपने आशिक का इंतजार करती है। एक टाइम पहले वो अपने आशिक के साथ भागने के लिए घर बार सारा सारा चीज छोड़कर यहाँ आके उसका इंतजार करती रही, उसका इंतजार करती रही। फिर उसका आशिक नहीं आया तो उसने प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के सामने कूद कर ही अपनी जान दे दी। और उस आज भी उसकी आत्मा उसका वही इंतजार कर रही है। उसके मरने के दूसरे ही दिन उस लड़की की आत्मा ने स्टेशन मास्टर को भी मार दिया। उस दिन के बाद इस रेलवे स्टेशन पर शाम 7 बजे के बाद इस प्लेटफॉर्म पर कोई भी ट्रेन नहीं रुकती और ना ही कोई इंसान रात 7 बजे के बाद इस प्लेटफॉर्म पर आता है, परंतु तुम यहाँ के नहीं लगते। क्यों आए हो यहाँ पर तुम? थैंक आकाश एनर्जी यू वेरी नाइस एनर्जी वन। सर, थैंक यू। परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा मुझे, और जो गेटअप था वो अच्छा लगा और ऐसा फनी लगा परफॉर्मेंस, मतलब ऐसे ज्यादा हॉरर नहीं लगा। अच्छा, 10 में से आप पॉइंट्स कितने दोगे? ओके, सिक्स कि आकाश एक थोड़ा फीडबैक मैं देना चाहूंगा। सर, मतलब एक तो तुम्हारा गेटअप, तुम्हारा एफर्ट बहुत अच्छा है। तुम जो एफर्ट करते हो एक्टिंग के लिए वो बहुत अच्छा है, और साथ में एनर्जी तुम्हारी थ्रू आउट एनर्जी जो रहती है ना वो बहुत अच्छी रहती है, मैं कहूँगा, है ना, बहुत एनर्जी के साथ। और जैसा कि आपका गेटअप ऐसा था और आपके बोलने का तरीका ऐसा था कि बच्चा एक्चुअली में डर गया, मैं देख पा रहा था, तो मुझे हंसी। लेकिन अभी मैं बोल रहा हूँ कि आकाश, एक चीज हमेशा याद रखना, बहुत अच्छी एक्टिंग की जा सकती है अगर वो ना उसमें, अभी कैसे कि बहुत, मैं पहले से भी तुमको ये बात पहले भी बोला है, तुम करते करते इतना खो जाते हो ना कि तुमको वो भूल जाते हो कि तुम कर क्यों रहे हो। करेक्ट, जब तुम बोल रहे थे इस स्टेशन पे और तुम अपनी आंख घुमा रहे थे और वो क्या हो रहा है, देखो हॉरर क्या होता है कि हर एक चीज का सेंस बने तो लोग डरना शुरू कर देते हैं। लेकिन जहां हॉरर हो और सेंस बनना बंद हो जाए ना, कि तुम अपनी आंखें घुमा रहे हो और बोल रहे हो कि इस यहाँ पे वो लड़की वहां पे मरी थी और तुम्हारी आंख घूम रही, तो वो क्या होता है, वो कॉमेडी हो जाता है। अगर तुम जो बोल रहे हो वही कर रहे हो और वही तुम्हारे सब तुम्हारे एक्सप्रेशंस में भी दिख रहा है, मूवमेंट्स में भी दिख रहा है, तो वहां पे हॉरर हो जाएगा। अगर जो तुम बोल रहे हो उसके अलावा तुम एक्स्ट्रा दिख रहा है कुछ, वो कॉमेडी में चला जाएगा तुरंत। तो अभी मैं शुरू से ही मुझे कॉमेडी लग रही थी, है ना। और क्या होता है, तुम खींचते 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 वो इतना ज्यादा हो गया कि वो बहुत लंबा हो गया। स्टार्टिंग में तो जैसे कि स्टार्ट जैसे हुआ थोड़ा लुक तो पूरा हॉरर था, लेकिन फिर कॉमेडी स्टार्ट हुई, और फिर कॉमेडी स्टार्ट हुई, फिर एक समय के बाद फिर वो कॉमेडी जब खींचने लगती है तो वो थोड़ा सा बोर होने लगता है। करेक्ट, बाकी कैरेक्टर तुम प्रॉपर कैरेक्टर में थे, तुम्हारा जो सेंस था प्रॉपर, तुम्हारा हार्डवर्क दिखाई दे रहा था कि तुमने कितना इस पे मेहनत किया होगा, जो तुम वॉइस निकालने की कोशिश कर रहे थे, जो एनर्जी थी तुम्हारी, वो सब परफेक्ट थी। लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस में हल्का सा खिंचाव आने की वजह से वो बोर हो जाता।